गन्ने की खोई से रस निकालना है, या उर्दू का मुहावरा है कि खली से तेल निकालना है। और अलहमदुलिल्लाह मैंने 11 शेर बनाते हुए उन्होंने सुनाए, और अक्सर उनका शेर में ये उछल पड़े, कहने लगे और पढ़ाओ। मैंने कहा 14 की तादाद पूरी हो इंशाअल्लाह, और वो अलहमदुलिल्लाह का तैयार भी हो गया, वो भी इब्तदा की तैयार हो गया। की हो गई गुजरगाना। वाह बेदर गुजर, वाह 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 वाह। कर दिया हुब्बे अली ने एक बेदर को गनी, मारिफत जब शेर हक की हो गई गुजर के साथ। और ये शेर मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, मेरे मिजाज का था कि असलहे है यूं खिलौना पहरे तिफलाने अली। असलहे है यूं खिलौना पहरे तिफलाने अली, रिंद जैसे खेलते हैं शीशों से। वाह वाह, रिंद जैसे खेलते हैं शीशों के साथ। और शेर के क्या है के या इलाही अब किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो, या इलाही अब किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो, करबला में जो हुआ है शीख रसलर के साथ। और शेर देखे कि रंज खैमे तक बता दे ज़ईफ़ी शाह की, रंग से खैमे तक बता दे ज़ईफ़ी शाह की, किस तरह शब्बीर पहुंचे लाशे अकबर के साथ। किस तरह शब्बीर पहुंचे लाशे अकबर के साथ। बेतरतीब है, मैंने इसका दिया कि जब चला खैमे से गाजी जानिबे मेरे फुरात, जब चला खैमे से गाजी जानिबे नहरे फुरात, हैबत हैदर चली अब्बास के तेवर। वाह 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 वाह, गाजी हैबत तेवर, वाह 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 वाह। लेकिन मदरसे हुसैनी की देर है कि बताने की जरूरत नहीं है, बातें की तलबी तलब है, लेकिन वाकई आप अपने ज़हन में रखेंगे कि घर पे आने का बढ़ा इसरार तो बोले हुसैन, घर पे आने का बढ़ा इसरार तो बोले हुसैन, देख राहिब ये मेरा वादा है मेरे सर के साथ। घर पे आने का बढ़ा इसरार तो बोले हुसैन, देख राहिब ये मेरा वादा है मेरे सर के साथ। और वो ना होता उम्र भर जो अब्बा से चली। मेरे अक्सर मिस्टर मिसरे में वो पहले मिसरे मेरे दोस्तों का कहना है कि आपके पहले मिसरे बड़े सस्पेंसिव होते हैं और आप दूसरे मिसरे में होता है, समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ ऐसी हो रहा है यहाँ पर कि वो न होता उम्र भर होते जो अब्बा से चली, जो हुआ है सानिया सहना तेरी चादर के साथ। दादी को ताज्जुब था कि मेरे अब्बास के होते हुए मेरी भी धक्के लगे। वो न होता उम्र भर होते जो अब्बास से जली, जो हुआ है सानिया ज़हरा तेरी चादर के साथ। और दस्ते हैदर पुष्ट पर रहता है वक्त ज़िक्रे शाह। दस्ते हैदर पुष्ट पर रहता है वक्त ज़िक्रे शाह, एक ये भी मौजूदा है ज़ाकिरे मिंबर के साथ। वाह 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 वाह। दस्ते हैदर पुष्ट पर के साथ। और क्या सवाबे मजलिसो मातम है, सब मिल जाएगा। सलाह दे दो परवरदिगार के शुक्रगुजार है मेरे मालिक, तूने ये मौका दिया। वरना याद रखें आप कि अगर दिल में मोहब्बत होगी तो ये मौका मिलेगा, ये मौका मिलेगा। और अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो चाह करके भी, मौका मांग करके भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल में है तो लम्हों में कसायद होते हैं, लम्हों में कलम चलता रहता है, आशा होते नहीं। और खड़े खड़े डिक्टेशन, मैं कह रहा हूं, खड़े खड़े डिक्टेशन देता हूं बच्चों को, बेटा लिखो और 10 मिनट में कागज ले लीजिए, नहीं बर्फ में सादा बन के आओ नहीं और आए हो तो लेके जाओ, हम तुम्हारे कागज की जमानत नहीं देते, लिखो। और लिखवा दिया, 12-14 शेर हुए और कह लगे बहुत बहुत शुक्रिया। और तरही ये नहीं कि अपने तबीयत से जो आपको आपने लिखवा दी, ले जाओ। और उसके बाद शुक्र अदा करता हूँ मेरे परवरदिगार, तुमने सलाहियत दी मेरे मौला, आपने मेरी मदद की। तो अगर उधर से आता हो जाए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और अगर उधर से आता न हो तो दावाए सुखन बातिल हो जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं अपने कौल की तस्दीक और तकलीफ के लिए कि जब सैयद सज्जाद का जमाना था, आपने सुना होगा, और कातिलाने वालिद माजिद गिरफ्तार हो रहे थे, आज वो गिरफ्तार हुआ, आज वो गिरफ्तार हुआ, आज वो गिरफ्तार हुआ, और फौरन कत्ल से नीचे की सजा ठीक नहीं। वहां ये और अदालतें हैं कि जहां कत्ल के जुर्म में जब लोग सजा पाते हैं तो फांसी कम, उम्र कैद ज्यादा होती है। मगर उन्होंने हुसैन में यह समझौता नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। और हमें पता है कि हमारा इमाम नहीं समझौता करने वाला है तो हम क्यों समझौता करें। इमाम आएगा, कोई भी दुश्मन हुसैन बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, ये अकीदा है हमारा। और हुसैन की शहादत के बाद जब इख्तियार अपनों के हाथों में आया तो कातिलान हुसैन की गिरफ्तारी शुरू हुई। भाई इतनी मोहलत मिली कि यह बता कि तूने तेरा जुर्म क्या है, तूने किया क्या है, कुछ भी किया हो, जुर्म यह है कि हुसैन की मुखालिफत की। वो चाहे बरमुला हो, चाहे सनान इब्न अनस हो, चाहे कुली हो, चाहे शिवर हो, एक रिजल्ट आउट होगा, एक फरमान जारी होगा, कत्ल कत्ल कत्ल। इससे नीचे की कोई सजा नहीं है। और आप एक बात और सुन लीजिए, और कभी आपको फिर सुना होगा कि एक ऐसा गिरफ्तार होके आया जिसने कोई जुर्म नहीं किया था। पूछा गया कि तूने करबला में क्या किया, तो कहा यकीन जानिए कि मैंने करबला में कुछ नहीं किया, मैं फकत गया था और शहादत हुसैन के बाद वापस आ गया, तो कुछ नहीं किया। कहा नहीं, मेरी जान बख्शी जाए। लश्कर से पूछा जाए, अफसरान लश्कर से पूछा जाए, मैंने कुछ नहीं किया। आप समझ गए, पूछने वाला हुसैन का चाहने वाला है, जवाब देने वाला दुश्मन हुसैन है। जनाब मुख्तार बार बार इसरार कर रहे हैं, अरे बता कुछ तो किया होगा। कर नहीं, तलवार नहीं उठाई, कर नहीं, कर नेजा नहीं उठाया, कर नहीं, कर तीर चलाया, कर नहीं। अच्छा कुछ न किया होगा तो कम से कम पत्थर तो जरूर बरसाए होंगे। इसलिए रिवायतों में हम पढ़ते भी है, सुनते भी है कि जिनके पास असले नहीं थे वो झोलियों में पत्थर भर के लाए थे और वो पत्थर चला रहे थे। आमिर यकीन कर ले, मैंने करबला में कुछ नहीं किया। का याद रख, इसके बावजूद तू मेरी नजर में वाजिब कत्ल है। अगर यह साबित हो जाए कि यह मुजरिम नहीं है तो दुनिया के किस मुल्क की कौन सी अदालत है जो उसे सजा दे रही है? कोई अदालत? अगर वकील सफाई साबित कर दे कि मेरा मुवक्किल मुजरिम नहीं है तो किसी जज की कलम में ताकत नहीं है कि वो उसे सजा लिखे, चाहे कि सजाए मौत। साबित हो गया दरबार मुख्तार में कि इसने करबला में कुछ नहीं किया, दुश्मन कहे कि पूछे कि मुख्तार जी को ये एतराफ है कि सिर्फ करबला में कोई सितम नहीं किया, सिर्फ चोरी सी गर्दन मार दिया। लेकिन याद रखिए, मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि बाबे बदीन से वाबस्तगी का नतीजा ये है कि सवारी के सवाल करने से पहले जवाब दे के उसे मुतमईन कर दिया जाता। सन्नाटा छाया था, किसी में जरूरत न थी कि जब यह मुजरिम नहीं है तो फिर उसे सजा क्यों दी जा रही है। खुशा नसीब मुख्तार, खुशा नसीब का सुनो दरबारियों, यह साबित है कि इसने कोई असरा नहीं उठाया, कोई गुस्ताखी नहीं की, मगर मेरी नजर में यह वाजिबुल कत्ल है। और कत्ल इसलिए होने जा रहा है कत्ल कि मेरी नजर में ये मुजरिम है। और इसका जुर्म सुनना चाहते हो तो सुनो, ताकि कल के कोई उंगली ना उठाए कि मुख्तार ने जोश हकीकत में बेगुनाह को कत्ल करा दिया। इसका सबसे बड़ा जुर्म यही क्या कम है कि लश्कर यजीदी में शामिल होकर हुसैन के मुखालिफिन की तादाद बढ़ा दी। वाह वाह वाह, आप समझा, ये बहुत बड़ा जुर्म था, हुसैन के मुकाबले में आया था। मुबारक बादशाह मुख्तार ने फैसला कर दिया कि अगर इमामत के मुकाबले में कोई आए, कोई इकदाम करे या न करे, अगर मुकाबले पर नजर आ जाए तो सजा का मुस्तहक होता है। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह वाह वाह। सुबह हुई, चलो सवेरा हो गया। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी बात आज के गुलाम नबी के प्यास में गुलाम नबी ने प्यास सामने रख दिया, जी भर के पानी पिया। जब पानी पी चुका तो कहने लगा मौला अब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मुझे पनाह मिल सके, इसलिए मैं उसकी पनाह में आया हूं कि जिसकी पनाह में आ जाने के बाद शायद मलकुल मौत की भी जरूरत हो। जानता है कि इमामत की पनाह बहुत बड़ी पनाह है। अच्छा कहा मौला मुझे पनाह चाहिए, किसी तरह मेरी जान बचाइए। देखिए खुल्क मासूम किसे कहते हैं, हुस्न सलूक किसे कहते हैं। आले मोहम्मद का कैरेक्टर अपने हुस्न सलूक और अपने होल्ड की वजह से आज तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाता है। तो पना चाहिए, दे दी पना। कमौला अगर मुखबिरों ने खबर कर दी तो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मेरे गाँव पहुंचा दिया, राजी थी, मौका था आप जाया करते हैं, बयान करते कैसे मेरे गाँव में पहुंचा। और खबरदार इसकी कोई इतना नहीं होगी। उसने कहा चलो मेरे साथ, वहां तक कौन पहुंचेगा, वहां तक कौन जाएगा। अगर खबर भी मिलती है कि वह आया था तो यहाँ आया था, यहाँ चला गया, मर जाएगा तो कहा। जब वो चलने लगा, थोड़ी रही थी, जब वो चलने लगा तो झूला के कहता है कि मौला आपके शायद मुझे पहचान है। जो गहराई से मिला है इमामत की मार्फत तो मौला लगता है शायद आपको मुझे पहचाना नहीं। आज मौला ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो ये तस्वुर कैसे आया तेरे जहन में। तो मौला आपका खुल्क, आपका बर्ताव, आपका हुस्न-ए-सलूक देख के मुझे ये लगा कि शायद आपने मुझे पहचाना है। तो आप जिंदगी भर भी भूल सकता तू वो शक्ति है जिसने मेरे भाई के कलेजे पर ऐसा भाला मारा था कि जिसकी बंसी की रिंग टूट के मेरे भैया के कलेजे पर लगी। वो लिखते हैं इमाम रोने कबूल दूसरा निकले है ना, सही के नहीं है, गलत तो नहीं कहा मैंने। कहा मौला मैं वही हूं। कहा वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार। तो गौर किया आपने, ये होती है शान इमामत और ये होता है इमामत का हुस्न-ए-सलूक। दोस्तों को कभी भूलते नहीं है और ये दुनिया में गलत कह रहा हूं कि दुश्मनों को कभी बख्शते नहीं है। दोस्तों को कभी भूलते नहीं है और दोस्तों को हमेशा माफ कर देते हैं। ये सीरत सैयद सज्जाद को विरासत में मिली, जिसका दादा अपने कातिल को शरबत पिलाए और बाद में पूछे इब्ने मुल्जिम क्या मैं तेरा बेहतर इमाम नहीं था। जिसके बड़े बाप का आलम यह हो कि खुल्क हसन कायनात का छा जाए, जो 10 साल तक रहे मगर जुल्फिकार न उठाए। जिसके बाप का यह आलम, मैं जिस बात कर रहा हूं 2 जुमले में शायद तो पढ़ूंगा आपके रोने के लिए काफी हो। जिसके बाप का यह आलम कि हुर से लेके अली असगर तक की शहादत बर्दाश्त करे मगर हर कदम पर यह कहे मेरे मालिक तेरा शुक्र, मेरे माबूद तेरा शुक्र। जो कुछ मुझे तेरी राह में मिला वो सब कुछ मैंने तेरी ही राह में बर्बाद कर दिया। और आखिर में कोई खुदा से फरमान ये भी लिखता है कि कोई तोहफा तेरे लायक नहीं पाता है वो शायद हाथ खाली तेरे दरबार में आता है वो शायद। ये उनके साथ ये हुसैन थी, क्या नहीं कुर्बान किया खुदा के नाम पर हुसैन ने। मगर अज़ीज़ान गिरामी इनके साथ ये हुसैन ये है कि मेरे मालिक कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो तेरे शायान शान हो और हुसैन आगे गए। चाहते हैं तो नेजा बरदार बाईं तरफ से नेजे की हलीम हुसैन को रोक देते हैं। ये फातिमा का मौल अपने जिगर है जिसके बारे में फातिमा फरियादी थी, हाय मैंने हुसैन को चरकिया पीस से मारा, मैंने फाते करने वाले हैं। वो हुसैन जब घोड़े से जमीन पर गिरना चाहता है तो लोग नेजा पे उसे रोक लिया जाता है। कितनी अलियां चुगी होगी, कितना हुसैन को तकलीफ हुई होगी, लेकिन कितनी देर तक रोकोगे तुम, कितनी देर तक रोकोगे तुम, तुम्हारी इंतहा भी हुसैन ने देख ली। उसके बाद अब मजलूम करबला ने एक मरतबा जनाह की गर्दन में बाहें डाल दी और कहा उसके वफादार अब तेरा सवार जमीन पर आ रहा है। जुलजना ने आगे के पैर आगे फैला दिए, पीछे के पैर पीछे फैला दिए, शिकन को जमीन से लगा दिया और उसके बाद गर्दन उठा के आवाज दी, मेरे आका। बुलंदी से गिरना बहुत बड़ी मुसीबत होती है, बोला मैंने बुलंदी को कम कर दिया, अब हुसैन ने जो जमीन पर पैर रखा तो पुश्त फरस से तो जुदा हो गए मगर जमीन पर ना आ सके। इतने तीर लगे थे कि इमाम वक्त ने अपनी ज़ियारत पे पढ़ा, सलाम हो जद्द नामदार पर कि वक्त आज़र जिसका लाशा न जमीन पर था न जमीन पर था। तीरों पानी का लाल करवट बदल रहा, कातिल ने आस्तीन उल्टी, ज़बा का इरादा किया, गले पर खंजर रखा, वार पर वार करता रहा, जब गला न कटा तो शाना हिला के पूछा, हुसैन तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं कटती। हुसैन ने गश्न आंखें खोली, काशिम कयामत आ जाए मगर तेरा खंजर कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, हमसे कहा जाता है कि जो करबला में आए थे हुसैन के साथ नहीं थे मगर वो भी मुसलमान तो थे, कारियाने कुरान तो थे, हाफिजाने कुरान तो थे, कलमा गो तो थे। मुझे जमाना बताए मैं ऐसे कारियाने कुरान को लेके क्या करूं, ऐसे हाफिजाने कुरान को लेके क्या करूं, ऐसे नमाजियों को लेके क्या करूं जो हुसैन के साथ ऐसा सुलूक करे। ए शिव, कयामत तक तेरा मकसद कामयाब नहीं हो सकता। क्यों हुसैन का? इसलिए कि जहां तूने खंजर रखा है यहाँ मेरे नाना के होठ हुआ करते थे, मेरे नाना बोसा लिया करते थे। ए शिब्र, काश ये सोच लेता कि हुसैन के गले से रसूल के लब मस हुए हैं मगर हुसैन के सामने शिब्र को ये नहीं याद कि रसूल भी कोई थे, कलमा भी कोई शय है नहीं। उन्हें तो सिर्फ दुनिया की दौलत चाहिए थी, इस्लाम से कोई मकसद नहीं था। का हुसैन हमें कत्ल करना है, हमें ज़बह करना है, हमें तुम्हारा सर चाहिए। हुसैन ये बताओ गर्दन पर कैसे खंजर चले। हुसैन ने कहा कयामत करो, कयामत करो, तू मकसद में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि जहां तूने खंजर रखा है ये बोसा का है नबवी, मेरे नाना मेरी गर्दन का बोसा लिया करते। और एक मरतबा मैंने शिकवा किया भगवान से, माजरे में नानी जब मैं नाना की गोद में बैठता हूँ, सुनिए बात आ गई है तो दो जुमले और सुन लीजिए। तो मेरे नाना भैया हसन के तो रुखसारों के बोसे लेते मगर जब मेरा बोसा लेते हैं तो मेरे गले का बोसा लेते। क्या मेरे रुखसार इस काबिल नहीं है? फातिमा फौरन बाप के पास आई, बाबा मेरे हुसैन को आपसे शिकायत है। फातिमा हुसैन को मुझसे शिकायत? कहा फातिमा का शिकायत क्या है? कहा बाबा जब आप मेरे बच्चों का बोसा लेते हैं तो हसन के रुखसारों का बोसा लेते हैं, हुसैन के गले का बोसा क्यों लेते हैं? क्या मेरे बच्चे के रुखसार इस लायक नहीं है? रसूल रोने लगे। कहा फातिमा सुन सको तो मैं वजह बताऊं? कहा बाबा मैं सुनूंगी, मसला हुसैन का है, मैं सुनूंगी, मसला हुसैन का है। कहा फातिमा सुनो, मैं हसन के रुखसारों के बोसे लेता हूँ क्योंकि इसे जहर दगा से शहीद किया जाएगा, इसके होठ जहर के प्याले से लगेंगे। हाय मैंने हुसैन के गले का बोसा ले लेता हूँ क्या उसी गले पर शिमर का खंजर चलेगा? तो ये बोसा गाय नबवी है, शिमर तू मेरा गला काट नहीं सकता, तू मेरा गला काट नहीं सकता। मैं बचपन में ये सुना करता था कि हुसैन का गला काटा गया, बस 2 मिनट गई है, दूसरी तशरीह भी आप सुन लें ताकि बस बड़ा करता था कि हुसैन का गला काटा गया, हुसैन जी का गला चला गया। तो मैं अक्सर सोचता था कि एक रवायत और मिलती है कि हुसैन को सामने से नहीं जमा किया गया पर सिर्फ गर्दन से सर को जुदा किया गया। तो मैं सोचता था कि यह तजाद कैसा है, इसका प्रोडक्शन कैसा है। जब ये दोनों बातें मेरे सामने आई और बस तुफैले जिक्र हुसैन ये बात आई तब तो मेरी समझ में बात आई। अब सुनिए आखिरी जुमले मंज़िल तमाम। ऐ शिमर तू जिंदगी भर कोशिश कर, हल्स पर मेरे खंजर नहीं चला सकता क्योंकि ये मौसला है जरूरी है। तो हुसैन अब आप ही बताइए कि आपके सरोतर में कैसे जुदाई की जाए। तो हुसैन ने कहा एक चारा है कि मुझे से गर्दन से तबाह कर दे। बाजीदो एक मरतबा हुसैन के जिस्म के साथ बेअदबी की गई, हुसैन को यूं पलट दिया गया कि इधर के तीर उधर चले गए। अब हुसैन मुंह के बल जमीन पर आ गए तो शिमर ने खंजर उठाया और खंजर उठा के चाहा के दबा करे, मगर खंजर है कि नहीं चलता, खंजर है कि रवानी नहीं है, चला नहीं पा रहा है शिमर खंजर। तो मैंने जुस्तजू की कि आखिर खंजर चला क्यों नहीं, इसलिए कि रवायत आगे बढ़ती कहती है कि जब शिमर का खंजर नहीं चला तो शिमर ने वार करना शुरू किया। और आप जानते हैं जहां छुरी नहीं काम करती कस्साब वहां छुरी नहीं चलाता, उससे वजनी एक आला लेता है, उससे वार करता है तो गोश्त कट जाता है। बस अजीजों में समाप्त हो गई, उसने वार करना शुरू किया। तो अज़ीज़ान-ए गिरामी आखिर खंजर को क्या हो गया था। तो फिर रवायत ने बढ़ के इशारा किया कि जब शिमर अपने खैमे से चला तो इतने गुस्से में था कि जिस पत्थर के करीब से गुजरता था पत्थर पर वार करता था अपनी शमशीर का। और इतने वार किए हैं हुसैन तक पहुंचने में कि वो तेज खंजर इतना कुंद हो गया था कि रवानी खत्म हो गई। तो शिमर ने कई वार किए हैं जब हुसैन के सर उतर में जुदाई हुई, लेकिन जब जुदाई हो गई और सर लेके चला तो सियानियां उठी, आवाज आई अला कतल हुसैन बे करबला वाला अकबर हुसैन बे करबला। तो यही वो वक्त था जब ज़मीने करबला को ज़लज़ले आ रहे थे। शहज़ादी ने बीमार इमाम को उठाया, बेटा मेरे भैया की खबर शहादत आम हो रही है, आए ज़ैनुल आबदीन। मुझे तफसील से रवायत नहीं पढ़नी है, आखिर कलाम में मौला के मुंह से इतना सुना ज़ैनब ने कि इमाम ने उंगली उठाई, आवाज दी अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह। तो ज़ैनब ने पूछा ए मेरे लाल बाप को सलाम कर चुके हो तो मुझे ये बताओ मेरा भैया किस आलम में है। तो सैयद सज्जाद ने अम्मा उतार के फेंक दिया, उम्मी की गर्दन में बाहें डाली, दो जुमले कहे ए उम्मी अम्मा मैं यतीम हो गया, आप भी भाई के हो गई। हमारे बच्चों को इतनी तौफीक दे कि वफादारी को फरोग दे सके। पालने वाले हमारी इदारत में है जहाँ जहाँ भी है महफूज रहे, बिलखसूस पालने वाले